इतना आसान होता, जिसे हम चाहते वो हमें हासिल हो जाता, जो मुकाम हम पाना चाहते वो हमें यूं ही मिल जाता। यूं तो हम जब बचपन में होते हैं तब जिंदगी हमें बेहद ही ज़्यादा जो है सिंपल लगती है, हमें ऐसा ही लगता है कि ये ज़िंदगी बेहद ही आसान है, इस ज़िंदगी को तो हम यूं ही जी लेंगे और अपने मन मुताबिक तमाम चीज़ें भी कर लेंगे। मगर जनाब ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ना हो, परेशानियां ना हो, दिक्कत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जो अपनी खूबसूरती को लेकर हर वक्त ही चर्चा का कारण बनी रहती है, मगर देखिए ना उनकी जिंदगी में कितने दुख हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। यहाँ पर जिक्र हम कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा का जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि रेखा है। रेखा, इनकी खूबसूरती इन्हें सबसे अलग बनाती है, रेखा इनकी सादगी इन्हें सबसे अनोखा बनाती है, रेखा जो अपनी खूबसूरत अदाकारी के लिए हर वक्त ही आज भी सिनेमा में इनका नाम छाया रहता है, वही रेखा है जिनकी जिंदगी में आज इतने गम हैं, जिनकी जिंदगी में उन्होंने इतनी परेशानियों को देखा, जब भी वो आज अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटती होंगी तो यकीनन ही आंखों से आंसू जरूर आते होंगे। काश हमारी जिंदगी इतनी आसान होती कि जिससे हमने मोहब्बत की वो शख्स हमें हासिल हो जाता। इस दुनिया में बेहद ही कम लोग होंगे जिन्हें उनकी पहली मोहब्बत हासिल हुई होगी। कहा तो यही जाता है जिस शख्स को उसकी पहली मोहब्बत हासिल होती है वो शख्स इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स कहा जाता है, मगर शायद ये खुशकिस्मती रेखा की जिंदगी में उन्हें मंजूर ही नहीं थी। रेखा ने अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत की, रेखा ने अमिताभ के नाम का सिंदूर आज भी लगाना नहीं छोड़ा, भले ही ये मोहब्बत को उसकी मंजिल ना मिल पाई हो, मगर कई बारी मोहब्बत उसे पाने से परे होती है। आज हम आपको रेखा की जिंदगी के कुछ ऐसे अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे, एक ऐसी अहम बात का जिक्र करेंगे जो खुद रेखा ने किया था। एक पुराना इंटरव्यू रेखा का वायरल हो रहा है जहां पर पहली बार ना चाहते हुए भी रेखा एक ऐसी गजल को गाती है जिस गजल को गाकर कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेने वाला वो शख्स भी समझ जाता है कि यहाँ रेखा किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जिक्र कर रही है। ये जिंदगी बेहद ही कठिन है, मगर कई बारी हमें इन तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जब जिंदगी में कोई मौका या कोई ऑप्शन ना हो तब हमें उन तमाम परेशानियों से सौदा करना पड़ता है, और कई बारी हमें इनको और इनसे दोस्ती भी कर लेनी चाहिए। शायद ऐसे ही रेखा का जीवन रहा और रेखा ने अपने तमाम अकेलेपन से, अपनी तमाम परेशानियों से आज दोस्ती भी कर ली और इन्हें ही अपना हम सफर बना दिया। मगर वो क्या मंजर रहा होगा जब रेखा ने पहली बार अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ एक स्टेटमेंट दिया था। आखिरकार रेखा ने क्या कुछ कहा, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कहावत हमने अक्सर सुनी है कि जो शख्स ज्यादा खूबसूरत होता है उसकी जिंदगी में गम उतने होते हैं, मगर ये कहावत को लेकर कई लोग सच भी इसे मानते हैं तो वही कई लोग इसे महज एक कहावत कहकर आगे बढ़ जाते हैं। जिस हसीना का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा रेखा है। इनकी खूबसूरती का दीवाना पूरा जग है, पूरा संसार है। इनकी खूबसूरती को देखकर हर एक शख्स इनका दीवाना हो जाता है, मगर कितनी दर्द भरी जिंदगी से ये गुजर के आई हैं, जब आपको आज इनकी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में हम बताएंगे तो यकीनन आप भी यहाँ पर हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि रेखा जो है अपनी जिंदगी में तमाम दर्द को झेल चुकी है, और रेखा ने कई सालों पहले एक गजल भी गाई थी और वो गजल कुछ इस तरीके से थी, मुझे तुम नजरों से गिरा तो रहे हो यकीनन ही। इतना ही कहकर
रेखा यहाँ पर चुप भी हो गई। मगर रेखा ने ये जो गजल की लाइन गाई कि मुझे तुम अपनी निगाहों से गिरा तो रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वाकिफ होते हैं कि वो किस तरीके से ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के बिग बी अमिताभ बच्चन के लिए कह रही हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये एक पुरानी क्लिप है जिसने इंटरव्यू लेने वाले ने उसने गाने को कहा, तो इसके बाद वो शर्माती हुई मेहंदी हसन की गजल को गाती है और कहती है मुझे तुम नजरों से गिरा तो रहे हो, गाती नजर आती है। इस गजल को गाते हुए रेखा के चेहरे पर जिस तरह का भाव देखा गया, लोग उसके कायल हो गए। एक्टर अली फजल ने इस वीडियो क्लिप की तारीफ में ट्विटर पर लिखा, ऐसी सादगी और स्टारडम क्यों नहीं रही अब, मैं 10 दफा भी इसे देखूं तो इंटरव्यू फीका नहीं पड़ता। ये रेखा जी का इंटरव्यू बेहद ही खास है, तकल्लुफ में क्लास है। मैं दरख्वास्त करता हूं अपने सारी फिल्मी दुनिया के दोस्तों से कि कुछ आप इनसे सीखिए। यकीनन ही रेखा इंटरव्यू में अपने सारे उन दर्द को बयां कर रही है जो यकीनन ही हम सबको ये झलकाता है कि रेखा की जिंदगी में दर्द बेहद है। दरअसल रेखा अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर जब अमिताभ कहते हैं फिल्म कूली के सेट पे घायल हुए तो रेखा किसी मजबूरी के कारण उन्हें देखने ना जा पाई। उसके बाद अमिताभ के दिल से रेखा उतर गई। तभी उन्होंने सालों पहले दिए इस इंटरव्यू में एक गजल को कहा था कि मुझे तुम नजरों से गिरा तो रहे हो। यकीनन ही जिस तरीके का दर्द आज से सालों पहले रेखा ने खुद बयां किया वो हर किसी को हैरान कर देने वाला रहा। आज भी रेखा की जिंदगी जो है एक कोरे कागज की तरह है। रेखा की जिंदगी एक कोरे कागज की तरह है, एक खुली किताब है। हर एक शख्स जब भी आता है रेखा के अतीत के पन्नों को वापस से पलट देता है और रेखा ने अपनी जिंदगी में क्या दर्द सहा, किन तमाम चीजों से वो गुजरी, वो बातें जब जब सामने आती हैं तब रेखा भी यहाँ पर यकीनन ही रेखा के चाहने वाले इन्हें सुन के परेशान हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि इस इंडस्ट्री में तमाम ऐसी जोड़ियाँ हैं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, मगर वो जोड़ियाँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी और आज वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश हैं। मगर रेखा की जिंदगी कुछ ऐसी रही कि आज भी अमिताभ के नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में सजा के रखती हैं। रेखा के घर में छुपे हैं उनकी जिंदगी के ये तमाम राज। कहा तो यही जाता है कि रेखा जिस घर में रहती हैं वो घर बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। आशियाना नाम से वो उनका घर है, वो घर आशियाना तो है मगर यहाँ पर रेखा की जिंदगी में वो घर जो है आज भी कहीं ना कहीं बस वो खाली दीवारें ही हैं, जिनके साथ अपने अकेलेपन के साथ रेखा ने दोस्ती तो की मगर आज भी रेखा जो है शायद ही उसी ज़िंदगी की कश्मोकश में है कि काश उनकी ज़िंदगी अमिताभ के यूं चले जाने के बाद यूं ना बदलती तो शायद आज सिलसिले और कहानियां कुछ और उनकी ज़िंदगी में रहती। देखा आपने किस तरीके से रेखा यहाँ पर एक गजल के जरिए ये साफ बयां कर रही है कि यूं ना मुझे अपनी निगाहों से गिराओ वरना तो मैं खत्म। इतने इन शब्दों को रेखा बोलती हैं और ये शब्द पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जनाब रेखा की जिंदगी आज एक कोरा कागज है। अपने घर बसेरा में वो रहती हैं और जिस बसेरा को बनाने के लिए उस बसेरे में जाकर वो रहने लगी वो बसेरा कभी बसा ही नहीं। रेखा अपने पूरे घर में अकेली रहती है। रेखा की सेक्रेटरी उनके साथ रहती है ऐसा कहा जाता है, मगर आज तक रेखा के साथ कौन रहता है ये बात कभी भी रेखा ने खुद बयान नहीं की। कहा यह जाता है कि रेखा अमिताभ के चले जाने के बाद अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ी मगर वो सुख वो
तमाम चीजें उन्हें कभी हासिल नहीं हुई। रेखा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती गई, मगर वो उसी प्यार की तलाश में जो बचपन से देख रही थी, वो प्यार की तलाश आज तक रेखा की पूरी ना हो पाई। जिस प्यार की तलाश में उन्होंने अमिताभ का हाथ थामा था, वो हाथ छुड़वा के अमिताभ तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर तमाम बारी रेखा का अकेलापन उन्हें कहीं ना कहीं जो है आज सबसे अनोखा बना चुका है। रेखा की मांग में सजा सिंदूर ये कहीं ना कहीं खुद बयां कर रहा है कि रेखा का जीवन यकीनन ही इंतजार से शुरू हुआ और कहीं ना कहीं आज तक वो इंतजार चल ही रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.